वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की पर लाने वाला। मेरी उम्मत कौन सी उम्मत जिन्होंने सारी जिंदगी उसी की सुन्नतों को ज़बह किया, उन्हीं के तरीकों के खिलाफ बगावत की। सगी औलाद को माँ बाप कहते हैं मेरे घरों निकल जा, मैंने मुंह ना पै भी खामी, मैं तेन दो दिन ही बख्शना। अभी कल एक खत पढ़ा, माँ कह रही मेरे बच्चे मर जाएं, मेरी जान छूट जाए। माँ मुझे बेइज्जत करते हैं, मुझे जलील करते हैं, और ये मेरे नबी हैं, मेरे नबी हैं। फिर या रब उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। भाई एक तख्त आएगा, मेरे हबीब तशरीफ रखें, अल्लाह आप मैं नहीं बैठूंगा, मैं से हाथ रख दूंगा कि मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा हूँ, मैं हाथ रख दूंगा। बैठूंगा क्यों नहीं कि कहीं ये उड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और मैं मेरी उम्मत मेरे बगैर पीछे अकेली रह जाए, लिहाजा मैं नहीं बैठूंगा। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की पर लाने वाला। मेरे भाई बहनों, अगर उसने वफा की है कुछ हम भी करते, कुछ हमसे भी होनी चाहिए। मैं आपको अदल क्या समझाऊं, मुझे ये क्या बच्चा अहमद नाम है तुम्हारा, इसने कहा था जी इस्लाम का निज़ाम है अदल पे बात करें। आप में से कौन है जो अदल को नहीं जानता? मैं तो सिर्फ उसको उस ईमान को थोड़ा सा चिंगारी देने की कोशिश की है, जो भड़केगा तो खुद ही अदल करते फिरोगे, मेरे कहने से थोड़ा ही करोगे। अगर वो शमें बुझी हुई हैं तो मेरे जलाने से फरोजा नहीं होंगी, और अगर वो जल चुकी हैं तो किसी फिरौन के बुझाने से बुझ नहीं सकेंगी। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने दीप जलाने की ज़रूरत। ईमान का वो जज्बा जो आपको खींच के लाया है, और इस गर्मी में सवा घंटा आप इतनी तकलीफ़ में खड़े हुए हैं, मैं गवाही देता हूँ आप सब अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले। उसी शमा को थोड़ा सा, इन शोलों को थोड़ा और हवा दे दो तो फिर अदल ही अदल होगा, जुल्म नहीं होगा। बाकी ये कॉन्फ्रेंस, अदल कॉन्फ्रेंस से अदल नहीं आएगा, अदल की मीटिंग से अदल नहीं आएगा। अदल यहाँ से उठता है, जुल्म भी यहाँ से उठता है, लेकिन ज़मीन फर्टाइल है ये मैं देख रहा हूँ। आप थोड़ा अल्लाह रसूल के ताल्लुक को आगे बढ़ाएंगे तो हर तरफ अदल ही अदल होगा, और जिस देश की अदालत अदल करे, वकील अदल लेकर दे, वो देश कभी बर्बाद नहीं हो सकता, वो कौम कभी बर्बाद नहीं हो सकती, चाहे पांचों दरिया खुश्क हो जाएं और चाहे सारी बिजलियां चली जाएं और हमारे पास वही टिमटिमाती बत्तियां हों और वही तेल के चिराग हों, लेकिन अगर मेरे देश में अदल है तो दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। लेकिन अगर हम जालिम बन गए तो अल्लाह की जालिम से कोई मोहब्बत नहीं है, फिर एटमी ताकत बन के भी कुछ ना होगा, और घी के चराग जला के भी कुछ ना होगा, और रात को दिन बना के भी कुछ ना होगा, कि जालिम के साथ अल्लाह की कभी मदद नहीं आती और मजलूम से अल्लाह कभी पीछे नहीं हटता। मजलूम चाहे काफर और दहरिया क्यों ना हो, मजलूम एक बरादरी है, उसमें मजहब का कोई ठप्पा नहीं, मजलूम होना शर्त है, अल्लाह उसके साथ है। और जालिम भी एक बरादरी है, उसके लिए ईमान और कुफर शर्त नहीं है, पर अल्लाह की तबाही के निज़ाम चलते हैं और अल्लाह के गैज़ो गज़ब के रंदे फिर जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप अपनी ज़ात से शुरू करें, हुकूमत का इंतज़ार ना करें, आप अपनी ज़ात से शुरू करें। आज के बाद मैं उस अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। आपकी अदालत में कोई बेनमाजी, कोई वकील औरत, कोई वकील मर्द बेनमाजी ना, कोई जालिम का पुश्त पना ना हो। हम यजीद को सब गालियां देते हैं, हुसैन के लिए अब भी आप रो रहे थे, लेकिन काम सारे वही होते हैं जिससे यजीद की तकवियत मिलती है, हुसैन को नहीं मिलती। हुसैन एक इस्तियारा है मजलूमियत का, और यजीद एक इस्तियारा है जुल्म का। अब ये कलम मैं आपको दे रहा हूँ, लिख लो, अब यजीद के इस्तियारा में जाना चाहते हो या हुसैन के इस्तियारा में जाना चाहते हो, ये दुनिया मिट जाएगी, मौत मिटा देगी, एक दिन किसी को याद भी नहीं होगा कि तारिक जमील कौन था और अहमद कयूम कौन था और चिश्ती साहब कौन थे और सदर साहब कौन थे। कब्रें मिट्टी में मिट्टी बना देती हैं, यहाँ की हर इज्जत दौलत शोहरत की आखिर इंतहा
ये चंद मुट्ठी खाक के सिवा कुछ नहीं। जाओ बादशाहों की कब्रों पर देखो, खोद के देखो, खाक के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। अब हम सब मिलकर तौबा करें और अपनी जात से शुरू करें कि वे हम सच्चाई के साथी बने, नमाज नहीं छोड़ेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, बच्चों को हलाल खिलाएंगे, हराम का लुकमा कभी सरसब्ज नहीं होता और हलाल के लुकमे पर कभी फिजा नहीं आती, जुल्म के पैसे पे कभी बहार नहीं आती और हलाल पैसे पर कभी खिजा नहीं आती, जालिम के लिए अल्लाह की किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं और मजलूम के लिए सातों आसमान के दरवाजे खुले हुए। जो अपने बच्चों को हलाल खिलाएगा उसके बच्चे निहाल रहेंगे, आबाद रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। जो औरों के मुंह से नवाला खींच के खिलाएगा वह खुद भी तड़पेगा और उसकी नस्लें भी तड़प। तो मैं आप सब भाई बहनों से गुजारिश करता हूँ कि नई जिंदगी शुरू करें, पिछली पर तौबा कर लें। दुआ क्या करता हूँ इसका नाम रखने वाले, अल्लाह उसकी कब्र ठंडी करे, जिसने इसका नाम पाकिस्तान रखा, पाक जमीन, सुभान अल्लाह। हमारे बड़ों ने कितना खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक जमीन आबाद करेंगे जो जुल्म से पाक होगी, जो जिना से पाक होगी, जो शराब से पाक होगी, जो सूद से पाक होगी, जो झूठ से पाक होगी, जो जुल्म और सितम से पाक होगी, जो धोखे फरेब और फ्रॉड से पाक होगी, जो पगड़ी उछालने से पाक होगी। लेकिन चमन में तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में एक शोर था गुल था, खुली जब आंख नरगिस की न था जुज खार कुछ बाकी, बताता बागबान रो रो यहां गुंचा यहां गुल था। वो दो कब्रों में चले गए ख्वाब देखने वाले, एक देश बनेगा जहाँ माँ की इज्जत होगी, बीवी का एहतराम होगा, बेटी की सर पे चादर को कोई नहीं खींचेगा। मेरे तलंबा में रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान फतह किया तो उसने तीन बाजार हुसन बनाए, एक मुल्तान में, एक कहरोड पक्का में और एक तलंबा। तलंबा मेरा होम टाउन है, उसके साथ ही मेरा गांव। तो एक जमाने बाद ख्याल है कि तवायफे में तो किसी की बेटियां हैं, पता नहीं किस मजबूरी ने इनको इस घुंघरू पहनाए हैं। मैंने तो जब उनसे मिलकर हालात सुने तो मैं सोच में पड़ गया कि तवायफ जालिम है या वो सरदार जालिम है जिसने घुंघरू पहनाए, ये वो मुआशरा जालिम है जिसने इस गरीब की बेटी को घुंघरू पहनाए। मेरा तो कलेजा फट गया। बात की हमारे एक साथी ने कि मेरी बेटी हो, हम आप पे हजरत बीबी फातिमा की चादर चढ़ाने आए हैं, कोई तकरीर है, एक जुमला। उन बच्चियों ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, ओए होए, पहाड़ पत्थर पिघल रहे थे उनके आंसुओं। ये देश बड़ा प्यारा हमें मिला था, जोग्राफी लिहाज से भी अजीब गरीब है, मादनियात से भी अजीब गरीब है और इंसानी सलाहियतों के लिहाज से भी अजीब गरीब है। तो भाई हम सब तौबा करें, लोगों के हुकूक से ना खेलें, लोगों के हुकूक से ना खेलें। बड़ा औखा मामला है, बड़ी औखी अदालत, अल्लाह की अपनी अदालत बड़ी सौखी है लेकिन लोगों के हुकूक की अदालत बहुत खौफनाक है। और आप उसी अदालत में हर वक्त स्टैंड कर रहे हैं, हर वक्त 30-35 साल उसी के अंदर खड़े हैं। अगर आपका कलम न बिका, आपका ज़मीर न बिका, आपके ईमान पे जुल्म का दाग न लगा तो आप सब अपने वक्त के जुनैद बगदादी और अब्दुल कादिर जिलानी और ये राबिया बसरी हो, लेकिन अगर ये बिक गया फिर बड़े घाटे का सौदा, बड़े घाटे का सौदा। भाई तौबा भी करें, अल्लाह की बारगाह में अहद भी करें कि आज के बाद हमारी अदालतों में जुल्म नहीं होगा, ठीक है। और किसी से अगर आप नाराज़ हैं, लड़े हुए हैं, सुलह फरमा लें तो आपस में सुलह फरमा लें, माफ़ फरमा दें, एक दूसरे को माफ़ करें, खुद जाके माफ़ी मांग लें, फरीकैन में सुलह कराया करें। तो इस पर अल्लाह तबारक व ताला आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा।